दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए लिख रहे हैं YPL की दुनिया के बड़े अपडेट्स। KL राहुल और पंजाब किंग्स के बीच डील, ऋतुराज गायकवाड़ का जलवा जारी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अपडेट्स, 10 टीम IPL की लोकप्रियता को खत्म कर सकता है, सनराइजर्स हैदराबाद की रिटेंशन खिलाड़ियों की लिस्ट और भी ढेर सारी अपडेट्स IPL से जुड़े हुए आपको बताने वाले हैं। IPL 2021 खत्म हो चुका है और अब IPL 2022 आने वाला है, आपको उसे नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे IPL अपडेट सीरीज का 315वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे पंजाब किंग्स और KL राहुल के बीच डील हो रहा है, जहां पर पंजाब किंग्स चाहते हैं कि KL राहुल ही अगले साल भी पंजाब किंग्स की कप्तानी करें और इसके लिए पंजाब किंग्स KL राहुल को बढ़ाकर सैलरी देने वाले हैं और दोनों के बीच नेगोशिएशन चल रहा है, जो हमने आपको कल ही बताया था। वैसे आपको बता दें अभी फिलहाल में पंजाब किंग्स के KL राहुल को 11 करोड़ दिए जाते हैं और यदि यह डील हो जाता है तो फिर हो सकता है KL राहुल को 15 से 17 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह से और भी फ्रेंचाइजी के जो खिलाड़ी हैं वह अपनी फ्रेंचाइजी को कहकर अपनी फीस बढ़ा सकते हैं और इसी नियम के बारे में हमने आपको कल बताया था। वैसे आपको अभी बता दें कि KL राहुल और सभी भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उनके जो मैनेजर होते हैं वह इस सब चीज से डील करते हैं। वैसे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और MPL पर आप फैंटेसी टीम बनाकर T20 वर्ल्ड कप का मजा ले सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे IPL 2021 के दूसरे पार्ट में मैंने MPL पर फैंटेसी क्रिकेट खेल के लाखों कमा लिया था और T20 वर्ल्ड कप में भी मैं MPL पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाला हूं। मैंने IPL के वक्त MPL पर 20 से भी ज्यादा टीमें बनाकर खेली थी और मैंने 1 लाख रुपए से भी ज्यादा जीते थे और इस बार T20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों में मैं 20 टीम बनाकर खेलूंगा और लाखों फिर से कमाऊंगा। दोस्तों मैंने आज के मुकाबले के लिए ऑलरेडी 19 टीम बना लिया है और आप यहां पर देख सकते हैं मेरी 20वीं टीम। दोस्तों MPL पर वर्ल्ड कप में इंडिया के मैच वाले दिन डेली 2 करोड़ जीत सकते हैं आप। इसके साथ ही 1000 रुपए तक का कैशबैक भी पा सकते हैं मिनिमम 35 रुपए के डिपॉजिट पर। और हाँ, MPL पर फ्री में भी खेलकर लाखों जीत सकते हैं आप। यह सब लोग जैसे विनर्स बने हैं वैसे आप भी अपनी टीम बनाकर विनर्स लिस्ट में अपना नाम बना सकते हैं। तो देर किस लिए कर रहे हैं, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से MPL ऐप को डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाकर मेरे साथ खेलें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों कल से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चालू हो चुका है और कल IPL की सितारों का जलवा जारी रहा, जहां पर आपको बता दें कि एलाइट ग्रुप ए के मुकाबले खेले गए कल। ऋतुराज गायकवाड़ अपने IPL के नॉन स्टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। ऑरेंज कैप होल्डर ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र के कप्तान बने हुए हैं और कल भी उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ अर्धशतक लगाया और वह भी सिर्फ 30 बॉल पर। हालांकि महाराष्ट्र की टीम हार गई लेकिन उनका फॉर्म बरकरार है। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा जो पंजाब के कप्तान हैं, उन्होंने भी कल शानदार प्रदर्शन किया और अर्धशतक बनाया। इसके साथ ही गेंदबाजी में भी 3 विकेट लिए। विजय शंकर भी काफी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और कल भी उन्होंने 42 रन बनाए। और किस खिलाड़ी ने कितना रन बनाया, किसने कितना विकेट लिया, इसकी फुल अपडेट आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर करते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों 17 नवंबर से भारत के दौरे पर रहेंगे न्यूजीलैंड की टीम, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट मैच और T20 मैच खेलने वाले हैं भारतीय टीम के साथ। और कल न्यूजीलैंड की टीम ने इस टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड घोषित कर दिया है, जिसकी पूरी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जबकि कॉलिन डी ग्रैंडहोम मौजूद नहीं रहेंगे दोनों में। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने अपना स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत किया है और 5 स्पिन गेंदबाजों को शामिल किया है। और दोनों ही फॉर्मेट की पूरी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं और यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों IPL 2022 में जो 10 टीम रहने वाले हैं इसको लेकर कई लोग पॉजिटिव हैं, ओपिनियन दे रहे हैं सही से, कुछ लोग नेगेटिव ओपिनियन भी दे रहे हैं। जहां पर आपको बता दें 10 टीम होने की वजह से टूर्नामेंट बड़ा होगा और ज्यादा देर तक चलेगा और IPL की वजह से टेस्ट क्रिकेट पर बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है। एक तो वैसे भी T20 वर्ल्ड कप के खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार IPL को ही माना जा रहा है। क्रिकेटर्स पैसों के पीछे भागेंगे जिसकी वजह से जो क्रिकेट का मुख्य एलिमेंट होता है, मकसद होता है, वह खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही ज्यादा IPL खेलने की वजह से हो सकता है खिलाड़ी और उनके क्रिकेट बोर्ड से रिलेशन कमजोर पड़ जाए जो विदेशी रहेंगे। इसके साथ ही जो छोटे देश हैं उनके साथ फिर टेस्ट मुकाबले बहुत कम होंगे जिससे उन देशों पर काफी असर पड़ेगा और भी बहुत कुछ। हालांकि इसके पॉजिटिव साइड भी हैं। तो यह जो हमने आपको बताया, कई लोगों ने जो कहा उसको हमने एक साथ आपको बताया है। तो आपको क्या लगता है, 10 टीम होने से IPL रोमांचक होगा या तो फिर बोरिंग हो जाएगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस बार के मेगा ऑक्शन में IPL के सभी फ्रेंचाइजियों को 90 करोड़ का पर्स बैलेंस मिलने वाला है। इसके पहले यह पर्स बैलेंस 85 करोड़ का हुआ करता था। इसके साथ ही यदि कोई टीम 4 खिलाड़ी को रिटेन करते हैं तो फिर पर्स बैलेंस जो है किसी भी टीम का 48 करोड़ हो जाएगा, जो कई सारी ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जिन्हें लगता है कि बहुत कम रहेगा क्योंकि फिर वह मजबूत टीम नहीं बना पाएंगे क्योंकि 10 टीम रहने वाले हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यह मांग करी है कि IPL के पर्स बैलेंस को इस साल कम से कम 100 करोड़ कर दिया जाए और आने वाले समय में यह 110 करोड़ हो जाएगा, तो ज्यादा सही रहेगा। 100 करोड़ होने से 4 खिलाड़ी रिटेन होंगे और हर फ्रेंचाइजी के पास 58 करोड़ रहेंगे। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब अख्तर की तरफ से, जहां पर आपको बता दें एक टीवी शो के दौरान शोएब अख्तर की बेइज्जती कर दी थी उस शो के एंकर ने, जहां पर
लाइव टीवी शो में शोएब अख्तर स्टूडियो छोड़कर चले गए थे, जिसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी और उस टीवी शो का रेटिंग जो है सो अचानक से पूरा गिर गया और अंत में उस टीवी शो के एंकर को शोएब अख्तर से माफी मांगनी पड़ी। और यह मामला तब का था जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने वाला था और उस टीवी एंकर का कहना था कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को हरा देंगे और इस पर शोएब अख्तर राजी नहीं हो पा रहे थे। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। आईपीएल का मेगा ऑक्शन नजदीक है और सभी टीम अपने चार रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं और सूत्रों की मानी जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद के जो चार खिलाड़ी रिटेन होंगे उनमें नाम आता है पहले नंबर पर केन विलियमसन, दूसरे नंबर पर राशिद खान, तीसरे नंबर पर आता है भुवनेश्वर कुमार का और चौथे नंबर पर नाम आता है टी नटराजन का। हालांकि इसमें डेविड वार्नर का नाम नहीं आ रहा है, वैसे यह फाइनल लिस्ट नहीं है लेकिन इन खिलाड़ियों को रिटेन करने की बात हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में आपको सभी टीमों को रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे हम और टी20 वर्ल्ड कप के अपडेट्स आपको हम अलग वीडियो में बताते हैं तो उसे भी आप जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों हमने आपके लिए अगले मैच में बहुत ही बड़ा गिव अवे रखा है तो जल्दी से एमपीएल ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अभी तक टीम नहीं बनाया तो जल्दी से बना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।